सब्सक्राइब कीजिए एम टेक्निकल चैनल को और लेटेस्ट सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए हेलो गाइस एमडी टेक्निकल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे वॉशिंग मशीन स्पेनर मोटर कि वानी डाटा के बारे में बताऊंगा आज मैं कि इसमें कितने नंबर गेज नंबर वायर आएगा और यह मोटर कैसे बनेगी तो उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये मोटर कौन सी है ये आप देख सकते हैं कि मोटर के बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है इसकी ये सीरियल नंबर है वाई वाई जी सिक्सटीन एल स्पेन मोटर और 230 सौ तीस वोट पर चलती है और 230 सौ वोट ये लेती है और 60 वोट की ये मोटर है तो इस पर हम सबसे पहले इसके पेपर जो हैं वो डाल लेते हैं उसके बाद में इसके वार्निंग के बारे में बताऊंगा कि कौन सा नंबर गेज इसमें रहेगा स्टार्टिंग इस और रनिंग में तो वीडियो देख इस तरीके से आप इस स्टेटर की साइज़ बड़ी आराम से और आसानी से निकाल सकते हैं हमने उनतीस नंबर एल्यूमिनियम से 100 टर्न लिए हैं इस स्पिनर मोटर को बनाने के लिए क्योंकि इसमें एक ही तरफ से ये राउंड चलता है दोनों तरफ नहीं चलती तो अलग अलग गेज हम इसमें लेंगे दोस्तों हमने इसमें दो स्लॉट हमने बीच में छोड़े हैं और इसकी जो पिच होगी एक से चार होगी और एक से छ होगी इसमें एक बारी में एक एक से चार के बीच में जब हम इसमें घर में डालते हैं मतलब इस स्लाट में हम वाइंडिंग करते हैं तो एक ही बार हम एक ही राउंड लेंगे और एक से छः में हम दोबारा राउंड लेंगे क्योंकि हमारी चार कॉइल उनतीस नंबर एल्यूमिनियम से बनेगी और चार कॉइल हमारी इकतीस नंबर एल्यूमिनियम वायर से बनेगी और इसमें हमने सौ टर्न लिए हैं अगर हम ज़्यादा लेंगे तो हमारे जो घर हैं इसमें आएंगे नहीं मतलब हमारे जो स्लाड हैं इसमें आएंगे नहीं और ये डाटा क्योंकि ये कंपनी की मोटर नहीं है किसी भी आपने देखा होगा कि कंपनी का नाम नहीं लिखा एलजी या वर्फुल या और दूसरी ब्रांड की कंपनियां आती हैं एल वगैरह की और वीडियोकॉन की ये सिर्फ नॉर्मल मोटर है मतलब इसका कोई नाम नहीं था तो हमने इसका गेज कंफर्म किया था जो हमारे जो हमारे पास में जब ये मोटर आई थी तो हमने इसका गेज निकाला था तो उसी गेज से ये मोटर बनाई जा रही है और इस मोटर का जलने का कारण था पानी क्योंकि इसमें पानी लगा हुआ था इस वजह से ये एक कोयल जल चुकी थी इसकी तो ये ओरिजिनल डाटा है दोस्तों ये हम हमारे मन से नहीं बना रहे हैं जो कंपनी की जो मोटर आई थी वैसे के इसका गेज है और वैसे के वैसे, वैसे हम बना रहे हैं तो फटाफट से हमने इसमें चार कोयल डाल लेते हैं और कनेक्शन हमारे आगे से आगे पीछे से पीछे रहेंगे तो अब आप देखेंगे कि हमने इसमें चार कोयल डाल ली है इसमें हमने उनतीस नंबर एल्यूमिनियम का उपयोग किया है और हमारे ये दो वायर निकले हुए ये हैं ये मेन है और हम इसे चार वायर में बनाएंगे तो अब हमने इकतीस नंबर एल्यूमिनियम से इसकी कोयल बना कर रख ली है जैसे हमने नपती ली थी उसी प्रकार से स्टार्टिंग की भी नपती लेंगे हम और इसमें हम इकतीस नंबर एल्यूमिनियम से हमने इसमें टर्न लिए हैं एक सौ बीस ये ओरिजिनल डाटा है दोस्तों ये थोड़ा टाइट बनेगी मोटर लेकिन बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ताकतवर मोटर रहेगी ये जलेगी नहीं क्योंकि ये कंपनी की वार्डिंग का डाटा है और इसी प्रकार से अगर आप बनाएंगे तो आपकी जो मोटर है काफ़ी सर्विस देगी और चलेगी अच्छी अगर आपने मेरी और वीडियो देखी होगी तो उसमें भी मेरी कई वीडियो में मैंने इसकी नपती वाली जो टेप आती है हमने उसकी कॉइल की नपती उससे नहीं लेते हैं मैं आपको सिर्फ़ आसान तरीका बताता हूं कि अगर आपके पास में नहीं है टेप तो आप कैसे बनाओगे मोटरों को तो उस हिसाब से हम एक तार की मदद से इसकी कॉइल की नपती लेते हैं मतलब साइज़ निकालते हैं वह बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों आप बड़ी आसानी से वक्त कोयल की नपती लेकर मतलब हमारे स्टेटर की नपती लेकर आप उसकी कॉइल बना सकते हैं इसमें हम चार वायर निकालेंगे तीन वायर नहीं निकालेंगे क्योंकि अगर माना उल्टा सीधा अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो अगर इस मेथड से बनाओगे आप तो आप तीन वायर भी निकाल सकते हो जब भी आप स्टार्टिंग करें तो हमारे जो दो रनिंग के दो वायर हैं उनके बीच में से स्टार्टिंग करें तो आप तीन वायर में भी बना सकते हो इसे फटाफट भट से हम इसकी चारों कोयल और हम वार्निंग कर लेते हैं दोस्तों कई लोग कमेंट करते हैं कि आपने स्टेटर साइज़ नहीं बताया इसका पिच साइज नहीं बताया या आपकी जो कॉयल है उसकी साइज़ नहीं बताई दोस्तों हमारे कई भाई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मतलब जिसके पास टेप नहीं है या उनको काउंट करना नहीं आता तो मैं उस हिसाब से या कोई व्यक्ति सीख रहा है स्टार्टिंग कर रहा है मतलब ये सब चीज़ें बनाना तो उसके पास अगर माना ये सब चीज़ें नहीं है तो उस हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ तो ये बहुत ही आसान तरीका है और दूसरी बात इसकी जो स्टेटर साइज़ है ये आधा इंच का स्टेटर है पतला स्टेटर है उस हिसाब से इसमें वार्निंग की गई है सब कंपनी का अलग अलग डाटा रहता है एल का अपना खुद का रहता है वीडियो कॉन का खुद का रहता है और सब अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग हिसाब से डाटा बनाती हैं और स्टेटर बनाती हैं अपना खुद का तो उस हिसाब से डाटा रहता है किसी भी मोटर का अगर एल का का वीडियोकॉन में लगाओगे तो मोटर जल जाएगी चलेगी नहीं तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा सब कंपनियाँ अपना अपना डाटा बनाती हैं खुद का तो ऐसे ही ये जो मोटर है जो बना रहे हैं हम इसका भी एक अलग से डाटा है तो उसी प्रकार से इसका डाटा हमने निकाला है और इसे बनाया है तो आप भी इसी इस डाटा के हिसाब से बनाओगे अगर आधा इंच का स्टेटर है आपका तो अगर आप इस डाटा के हिसाब से बनाओगे तो आपकी जो मोटर है जलेगी नहीं बहुत ही हॉस मतलब अच्छी स्पीड भी अच्छी आएगी और जितने भी आप कपड़े सुखाना चाहते हो आप उसमें कैपेसिटी के हिसाब से आपकी आप सुखा सकते हो आप देखेंगे हमारे जो इस स्टार्टिंग कोयल है वो बनकर रेडी है मतलब हमने इसकी वार्निंग कर ली है और दो वायर हमारे रनिंग के निकले हैं दो वायर हमारे स्टार्टिंग के निकले हैं अब हम इनमें ग्रीन और लाल वायर लगा कर इसे कंप्लीट कर लेते हैं इसके लिए वायर कंप्लीट कर लेते हैं लपेट कर लेते हैं फिर इसे हम चलाकर देखते हैं मोटर को अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एम डी टेक्निकल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले क्योंकि हम जो भी वीडियो डालेंगे आपको तक नोटिफिकेशन आती रहेगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ हो